बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रेस्टोरेंट में अंधाधुंध फायरिंग, वारदात का सीसीटीवी आया सामने, पुलिस जांच में लगी। रेस्टोरेंट में चल रही थी बर्थडे पार्टी में मची भगदड़, लोग जान बचाकर इधर उधर भागे। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार। पुलिस के मुताबिक कम से कम 10 राउंड फायरिंग हुई, 4 आरोपियों के बारे में जानकारी मिली, गिरफ्तारी के प्रयास जारी। बेगूसराय में सड़क पर गाड़ी लगाने को लेकर विवाद में पिता पुत्र समेत तीन लोगों को गोली मारी गई, एक युवक की मौत हुई। पिता पुत्र गोली लगने से घायल, अस्पताल में किए गए भर्ती, पुलिस जांच में लगी है। बिहार के बेगूसराय में रिटायर्ड टीचर की गोली मारकर हत्या, जवाहर चौधरी नाम के शख्स को अज्ञात बदमाशों ने बनाया निशाना, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के जहानाबाद में सरकारी दफ्तर में गुंडागर्दी, एक शख्स पर पिस्टल तान कर मारपीट, वीडियो वायरल। बिहार के मोतिहारी में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, इलाज के दौरान मौत, बाइक सवार दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गोपालगंज में आवासीय विद्यालय में कक्षा 1 के छात्र की हत्या, स्कूल की छत पर छात्र का शव मिला। पुलिस के मुताबिक ईंट से मारने के बाद गला दबाकर की गई हत्या, मामले का जल्द खुलासा करने का दावा। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी का कार्यक्रम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया 20 साल का रिपोर्ट कार्ड। अमित शाह ने कहा कांग्रेस एमपी में 53 साल के शासनकाल का दे हिसाब, कांग्रेस के कार्यकाल में बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश। कार्यक्रम में बोले सीएम शिवराज, 2014 के बाद प्रदेश के विकास को मिली नई गति, बीमारू राज्य के टैक्स से मिली मुक्ति। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कामों के हिसाब देने पर कमलनाथ का ट्वीट, लिखा झूठे कामों का हिसाब देने के बजाय असली करतूतों का हिसाब दे। कांग्रेस ने जारी की वर्किंग कमेटी की लिस्ट, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीम में 39 लोगों को शामिल किया। जर्मनी के मंत्री वोल्कर विंसिंग ने भारत में पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया, भारत के डिजिटल व्यवस्था की तारीफ भी की। ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास पहुंचा आईएनएस त्रिकंद, हुआ जोरदार स्वागत, क्षेत्रीय देशों के साथ समुद्री जुड़ाव की दिशा में कदम। प्याज की घरेलू उपलब्धता पर सरकार का बड़ा फैसला, 31 दिसंबर तक प्याज के एक्सपोर्ट पर लगाई 40% की ड्यूटी। 2 महीने में आ जाएंगे चिप वाले ई पासपोर्ट, इस साल नासिक के इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में छपेंगे 70 लाख ई पासपोर्ट। भारत में लैपटॉप कंप्यूटर का इंपोर्ट बैन होने से मुश्किल में विदेशी कंपनियां, एप्पल गूगल समेत कई फर्म्स का अमेरिकी सरकार से अनुरोध, भारत से कहीं बात।